हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज को हम बात करने वाले हैं सीएसएफ नई रैली भर्ती 2023 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीएसएफ ओपन रैली भर्ती 2023 बैच की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन होने वाली है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। 10th पास या 12th पास कैसे इसके अंदर आवेदन करना है, ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, क्या एज लिमिट होगी, क्या आयु सीमा होगी, कब से स्टार्टिंग डेट है और कब तक लास्ट डेट है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा डिटेल के साथ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। सो दोस्तों, सीआरएसएफ की नई रिक्वायरमेंट जो है वो आ चुकी है, यानी कि सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन होने वाली है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होगी। और बात कर लेते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या डिटेल आई है। तो सबसे पहले डिटेल वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम जो होने वाली है, यानी कि रिक्वायरमेंट नेम जो होगी वो सीआरएसएफ होगी, जो कि यहाँ पर सीआरएसएफ की तरफ से रैली कंडक्ट कराई जा रही है। टोटल पोस्ट नॉट मेंशन है क्योंकि रैली है। नेम ऑफ द ग्रुप जीडी के ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। वहीं एंट्री नेम जो हो गया वहाँ पर नॉन टेक्निकल एंट्री आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन मोड ओपन रैली है। और फी पेमेंट मोड की बात करें तो कोई फी चार्ज आपसे नहीं ली जा रही है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जॉब के डिफेंस की जॉब होगी। बेसिक पे आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 30,900 रुपया पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है तो अटैच कर देना, आपको 2-3% की आपको छूट देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी डिटेल्स के बारे में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे जो मांगी जा रही है, आपका कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका 12th पास होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस 2 होना चाहिए। अगर आप 10th प्लस 2 यानी कि 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, आप बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं बात करते हैं एज लिमिट का, आपका कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट आपका जो मांगी जा रही है वो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर। अगर आप 18 से 26 के बीच बिलोंग्स करो या फिर इस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल के लिए और एसटीएससी के लिए 5 साल की आपको छूट देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर टेस्ट क्या क्या होगी। तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट कम से कम होना चाहिए फीमेल के लिए, वहीं 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 70+5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करके होना चाहिए, यानी कि 70+5। बात कर लेते हैं यहाँ पर रनिंग टेस्ट के बारे में। तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, वो भी 6 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है। और फीमेल के लिए वहीं 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि 8 मिनट 30 सेकंड के आपको अंदर क्लियर करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगी। तो एग्ज़ाम भी आपसे कंडक्ट कराए जाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर रिटन टाइप का जो है 45 मिनट आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड रहेगी और सिलेबस 10th प्लस 2 पे लेवल पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, यानी कि 4 तरीके से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो आप मेडिकल के अंदर मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, आप खुद से भी रीड कर सकते हो। तो वेट और हाइट में आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मिनिमम आपका एक्सपेंड जो होना चाहिए वो जो चेस्ट है वो मेल के लिए 5 सेंटीमीटर है। और कोई भी बॉडी के ऊपर सर्जरी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सुनने की क्षमता, हेल्थ नॉर्मल, ये सारा कुछ नॉर्मल, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया, आप देखकर रीड कर लेना। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो हॉट अप्लाई करके यहाँ पर दिया गया, स्टेप बाय स्टेप आप अपने फ़ोन से आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने फ़ोन से आराम से कर सकते हो। तो 4 जुलाई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 14 जुलाई 2023 तक चलेगी, तो बिल्कुल आराम से करना। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया है, अपने फ़ोन से ही आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर भी लिया गया, अगर आपने नहीं किया तो कर लो। कहाँ से करना, तो आपका ऑनलाइन आवेदन यहीं से होगी, डाउनलोड भी नोटिफिकेशन यहीं से होगी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर लेना या फिर गूगल पर सर्च कर लेना सरकारी गवर्नमेंट vacancy.com, चले जाना इस वेबसाइट पर और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।